मैं भी लूँ अंकल जी। राधे राधे। वो बांध लेंगे और ये एक डंडा ले लेंगे। और हमारी जो
हमारा को जात पात में बांट के रखता है। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जात पात से ऊपर उठ के एक हुई है और हिंदू राष्ट्र बनाइए, भारत को बनाइए। एक साइड हमारे नरेंद्र मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं और एक साइड में हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम बाबा जी वो काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी राष्ट्र है, पहले हमारा हिंदू धर्म है, पहले हमारा सनातन है, पहले हमारी कंट्री है, बाकी उसके बाद जात पात भी है। कैसे बोलते हैं यात्रा पे निकलेंगे और आप लोगों ने सबने निकलना है, चलना है और कुछ ही टाइम पे जो हमारे गुरु जी वीरेंद्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम बाबा जी हमारे स्टेज पर आएंगे और आपको भी आपसे भी निवेदन करेंगे कि जात पात से आप ऊपर उठिए और तिरंगा हमारा राष्ट्र है, सनातन है, इसके बाद जात पात है। करके आगे हिंदुओं
युवा छूत को मिटाने का पढ़ ले लो और भारत को भव्य बनाने का पढ़ ले लो। हम सब हिंदू भाई भाई हैं। नीचे करूं आज यहाँ प्रयागराज भारत के एक ऐसे सांगर के मुक्का और पांचों उंगलियों से अच्छे अच्छे रेसलर को पकड़ लिया तो ठटरी भर जाती। ऐसे हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के बड़े ही लाडले खलीजी आए हुए हैं। यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की यात्रा बची है, थोड़े समय का यहाँ विश्राम था। आगे मऊरानीपुर के कॉलेज में रात्रि विश्राम की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, शांति कॉलेज है, दामोदर ग्रामोदर हाँ ठीक है ग्रामोदय कॉलेज में रात्रि रुकने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था और वहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसलिए हम सब हिंदू जो इस क्षेत्र के भी आए हैं या पद यात्रा में चल रहे, कुछ हमारे चेला बड़े चतुर हैं, वे आगे खिसक जाए, जितने स्वागत रखे रात में पहले ही खा ले। हम जब बाद में पहुंचे तो पूछे का भैया कछु बचो है, कहना गुरु जी तुम्हारे चेला एक बात बोले, अंगूर जब तक गुच्छे में रहता है महंगा बिकता है, पर अंगूर अगर गुच्छे से टूट जाए तो सस्ता बिकता है। उसी प्रकार कर सकती है, पर हिंदू टूट जाएगा तो कोई तुमको बचा नहीं सकता। इसलिए जात पात की करो विदाई भैया, हम ना तो राजनीति के लिए गाना सुना होगा कई सदियों पहले, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से पहली फोन।